अभी आपने एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही तेज आवाज सुनी इस लैपटॉप के अंदर से। अगर इस तरह की जबरदस्त खतरनाक आवाज आपके लैपटॉप से आ रही है तो आप समझ जाइए कि बहुत ही जल्द आपको एक आइटम परचेज करना पड़ेगा। वेलकम बैक टू टेक थेरेपी, मैं हूं शाज़ेब अशरफ, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ये है दोस्तों कूलिंग फैन जो आपके लैपटॉप में लगे हुए होते हैं। बहुत से लैपटॉप्स में सिंगल फैन आते हैं और गेमिंग लैपटॉप्स, आरजीबी लैपटॉप्स के अंदर आपको डुअल फैन सिस्टम देखने को मिलता है। जो लोग हमारे चैनल को फॉलो करते आ रहे हैं लंबे टाइम से, उनको पता होगा कि ये लैपटॉप हमें दिए हुए 1.5 साल का टाइम पीरियड हो चुका है और जितनी भी वीडियोज एडिट की जाती है इसी लैपटॉप के ऊपर की जाती है। और जब हम बात करते हैं 4K एडिटिंग की तो वहां पे काफी लोड पड़ता है आपके लैपटॉप के ऊपर, आपके CPU के अंदर, GPU के अंदर जबरदस्त परफॉर्मेंस निकल रही होती है और उस परफॉर्मेंस से जो हीट जनरेट होती है उसको कूल डाउन करने का काम करते हैं आपके ये कूलिंग फैंस। और जब आप हैवी यूजेज लगातार करते हैं 1 से 1.5 साल तक के टाइम पीरियड के लिए, तब आपके जो फैंस होते हैं ये खराब हो जाते हैं। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कल शाम को हम इस पे एडिट करने जा रहे थे अपनी एक वीडियो, इसको जब ऑन किया तो वो खतरनाक वाली आवाज जो आपको सुनाई थी ना, वही इसने दी। फटाफट से अमेजोन खोला और इसका जो कंपेटेबल फैन है उसका प्राइस देख करके और थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया। इसका प्राइस है दोस्तों दोनों फैंस का 3000 रुपीज अमेजोन के ऊपर। तो आइए आज की वीडियो में देखते हैं किस तरीके से आपको इंस्टॉलेशन करनी है इन कूलिंग फैंस की अपने लैपटॉप के अंदर, फिर चाहे आपका लैपटॉप कोई भी हो, सबका प्रोसेस सिमिलर ही रहता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस तरह की पैकेजिंग में आते हैं, अमेजोन से ऑर्डर किए थे हमने, तो देखने में क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है। बाकी जो ओरिजिनल कंपनी के इंस्टॉल्ड हैं उनसे कंपेयर करके भी देखेंगे। सो हर बार की तरह आपको इसकी जरूरत होगी लैपटॉप का बैक पैनल खोलने के लिए। तो इसका बैक कवर हमने ओपन कर लिया है और इसको ध्यान से खोलेंगे क्योंकि RGB लाइटनिंग का जो सिस्टम है, जो केबल है वो मदरबोर्ड में अटैच होती है, इसको भी निकाल लेते हैं पहले। तो ये हैं दोस्तों हमारे पहले के फ़ैन जो लगे हुए हैं और ये बहुत बुरी आवाज़ें निकाल रहे हैं और काम भी नहीं कर रहे हैं। चलिए इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे बैटरी को भी डिस्कनेक्ट कर दिया है और फैन के भी स्क्रूज ओपन कर लिए हैं। अभी जो ऊपर एक ब्लैक स्टिकर है इसको भी निकाल देंगे ताकि ये पूरा बाहर आ जाए। हम ओपन कर रहे हैं तो थर्मल पेस्ट भी अप्लाई कर देंगे साथ के साथ, क्योंकि 1.5 साल तक लगातार यूज़ हुआ है तो थर्मल पेस्ट भी खराब हो गया होगा। ये आपके कूलिंग फैन है, इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आसूस की ROG सीरीज के लिए ये वाला कंपेटेबल रहेगा और ये आपका थर्मल पेस्ट है, ये तो आप कोई भी परचेज कर सकते हैं लेकिन इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस तरीके से निकल गया है बाहर और यहाँ पे इसका कनेक्शन है, इसको भी निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं निकल गया। यहाँ पे डिस्प्ले की केबल थी, इसको हमने यहाँ से हटा दिया टेप को और इसको आराम से निकालिएगा। तो ये हमारा ओल्ड फैन, नीचे की तरफ मेंशनड है मेड इन चाइना और यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 वोल्ट लिखा है, 0.5 एम्पियर है। और ये जो हमारा राइट में ये न्यू फैन है, यहाँ पे भी मेंशन किया गया है 5 वोल्ट 0.5 एम्पियर, यानी कि सेम मॉडल है और क्वालिटी भी सेम है दोस्तों, कोई फर्क नहीं है। जितना वेट इसका है उतना ही वेट इसका भी है। क्वालिटी के मामले में जो भी सेलर इसको सेल कर रहा है वो अच्छी क्वालिटी के फैन आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, हीट सिंक को निकालेंगे ताकि थर्मल पेस्ट को अप्लाई कर सकें। तो उसके लिए ध्यान रखिएगा यहाँ पे नंबर मेंशनड है 1, 2, 3, 4, ये 4 स्क्रूज हैं, इनको ओपन करेंगे। सारे स्क्रूज ओपन कर लिए हैं और ये जो पूरा हमारा सिस्टम है कूलिंग सिस्टम, इसको आप इस तरीके से निकालेंगे और जस्ट पलट देंगे तो आप देख सकते हैं आपका CPU GPU इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है और जो पेस की कंडीशन है वो एवरेज है। हीट सिंक के ऊपर तो अभी भी लगा हुआ है लेकिन जो GPU है उसके ऊपर पूरा ही जल चुका है। तो चलिए अब इसको भी रीअप्लाई कर देते हैं, उसके बाद हम इसको बंद करेंगे। तो फैंस इंस्टॉल कर दिए गए हैं और केबल यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक इधर लगाई है एक इधर लगाई है। तो चलिए अब इसके स्क्रूज को भी हम अंदर लगा देते हैं लैपटॉप में, देन इसको ऑन करके देखेंगे कि अभी भी ये आवाज़ करते हैं या फिर नहीं। करने तो नहीं चाहिए क्योंकि नए फैंस हैं ये। तो यहाँ पे जो टेप लगी हुई थी इसके ऊपर हमने भी टेप लगा दी है ताकि ये पूरा सील हो जाए और इधर भी हमने ऐसी लगा दी है ब्लैक वाली टेप। पूरा लैपटॉप का काम हो गया। अब चलिए इसको क्लोज करते हैं और चेक करते हैं कि फैंस कैसे काम कर रहे हैं। तो फैन लग चुके हैं और नॉर्मल स्पीड आप यहाँ पे देख सकते हैं आर्मोरी क्रेट के अंदर। CPU फैन, GPU फैन 2800 एंड 2700 RPM पे भी रन कर रहे हैं और कोई भी हैवी टास्क अभी परफॉर्म नहीं हो रहा है। फैन की नॉइस लेवल्स आप देख सकते हैं 24 dB अभी जा रहे हैं और बिल्कुल भी नॉइस नहीं है, एकदम साइलेंटली वर्क कर रहे हैं और ये भी साइलेंट मोड पे काम कर रहा है। तो आइए अब देखते हैं कि एडिटिंग के प्रोसेस के टाइम पे कितनी RPM जाते हैं हमारे फैंस के टर्बो मोड में। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा आर्मोरी क्रेट ऐप है, यहाँ पे जब एडिटिंग हो रही होती है उस टाइम पे CPU की क्या फैन स्पीड है, ये देख सकते हैं आप। CPU की फैन जो स्पीड है वो है 4700 RPM,
जीपीयू पे फैन चल रहा है 4500 आरपीएम पे। वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है 42% हो चुकी है, 11 मिनट की फाइल है और यहाँ पे आप दिखा रहे हैं अभी 9 मिनट दिखा रहा है और फैन एकदम फुल स्पीड पे चल रहे हैं। टर्बो मोड पे यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्बो मोड ऑन है और ये इनकी मैक्सिमम स्पीड आ रही है। टेम्परेचर आप देख सकते हैं कि जीपीयू का 59 डिग्री चल रहा है और सीपीयू का 84 डिग्री यहाँ पे शो कर रहा है और ये कम भी हो रहा है, 79 चला गया अभी है। सो फैन चेंज करने से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट हमें देखने को मिला है। फैन जब खराब ही हो गए थे तो सारे काम ही रुक चुके थे, एडिटिंग भी नहीं हो सकती थी। तो इस तरीके से आप अपने लैपटॉप के फैंस को चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको ये प्रोसीजर आसान लगा होगा जिस तरीके से हमने आपको करके दिखाया है। अगर फैंस आपके भी आवाज़ कर रहे हैं, आपके लैपटॉप के अंदर बहुत ज़्यादा नॉइस हो रही है और अभी तक अगर वो चल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि बहुत जल्द वो खराब हो जाएंगे। होता क्या है कि फैन की जो नॉइस होती है वो वक्त के साथ धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और फिर एक टाइम आता है जब मोटर पूरी तरीके से खराब हो जाती है और वो गों वाली आवाज करने लगती है। लगता है कि सिस्टम हैंग हो गया, उस तरीके की आवाज निकालते हैं। अगर आपका लैपटॉप वारंटी के अंदर है और इस तरीके की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तब तो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस सेंटर ले जाएगा अपने लैपटॉप को, आपके फैन चेंज हो जाएंगे। वारंटी खत्म हो चुकी है उसके बाद सोच रहे हैं चेंज कराने के बारे में, तो अगर आप प्रोफेशनल हैं, करना जानते हैं, मदरबोर्ड की थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखते हैं तभी खुद करिएगा, वरना अगर मदरबोर्ड शॉर्ट हो गया तो मुझे ब्लेम मत करिएगा कि आपने मेरी वीडियो देखी थी और मदरबोर्ड शॉर्ट करा लिया। तो मेरा आपको सजेशन है कि किसी टेक्नीशियन को, कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर के पास ले जाइएगा अपना लैपटॉप। फैन भले खुद परचेज कर लीजिएगा, अगर खुद को नहीं आता है फैन लगाना तो खुद बिल्कुल भी मत लगाइए। प्रोडक्ट्स जो आपको वीडियो के अंदर दिखाए गए हैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स पे। चैनल पे पहली बार आपने वीडियो देखी है तो टेक थेरेपी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की क्वालिटी टेक वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। फिर मिलेंगे आप सभी से एक और नई एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी की वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा इसी तरह। हैव अ नाइस डे।